हेलो एवरीवन, सब ठीक होंगे, बढ़िया से होंगे। हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो इट्स माय न्यू आरसी 200 KTM, बहुत बढ़िया है भाई। डिस्प्ले देख सकते हो कितनी बढ़िया भाई, क्या बात है भाई। आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया व्यू। अच्छा गाइज, हम निकल पड़े हैं अभी अपने राइड की तरफ। गाइज वो सामने देखो, लाइव एक्सीडेंट, आप देख सकते हो अच्छे से, बेहतरीन से लगता है। बंदे को लगी होगी बट मुझे लगता है कि नहीं लगी है। गाइज आप देख सकते हो, हेलो ब्रो, लगी मत है, ठीक हो भाई? यार ध्यान से क्या है यार। हेलो गाइज, इसलिए मैं बार बार बी ऑलवेज हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि ड्राइविंग जो है ब्रो, स्लो ड्राइविंग एंड लॉन्ग लाइफ। ड्राइविंग भी ऑलवेज स्लो ही करनी चाहिए और वही अच्छी होती है ब्रो। ब्रो ये लोग हैं ना, ये ना जल्दबाजी में हमेशा, बी ऑलवेज जब भी कोई एक्सीडेंट होता है ना, वो बी ऑलवेज जल्दबाजी में होता है। ब्रो प्लीज़, मैं हर किसी से यही मैं विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ जो ड्राइविंग है ना, ड्राइविंग जो है ना, वो अच्छे से कीजिएगा भाई। मेरे जो ये ड्राइविंग का मतलब है ना, इसका ये मतलब नहीं है कि बस बाइक मिल गई अब मैं जहाज़ की तरह उड़ने लगूँ भाई, ये ऐसी बात नहीं है। बाइक एक हमारे लिए इसलिए बनाई गई है भाई कि हम एक जगह से दूसरी जगह तक हम आराम से जा पाएँ भाई। इसका ये मतलब नहीं है इसको हम उड़ाएं, सुपर में लें और जिसकी वजह से एक्सीडेंट जो है वो ज़्यादा होते हैं। अपनी जान तो होती है ब्रो मेरे जोखिम में, बट जो और भी फ्रेंड होते हैं ब्रो, उनकी जान भी जोखिम में होती है। ये ब्रो आप ये जान सकते हो, आपको ये मालूम भी होगा कि आप अच्छे से बेहतरीन से जान सकते हो कि जो ये बाइक होती है इसके पीछे माँ बाप, बहन भाइयों की और महल्ले वालों की जो एक उम्मीदें होती हैं ब्रो मेरे। अरे ध्यान से यार, क्या करें यार, चौक है ना, चौक में वो ब्रो यार आस्ता आस्ता यार, कहीं बुझाने देना भाई मेरे। अभी न्यू बाइक का मसा 2-3 दिन हुए इसको लिए हुए भाई मेरे, देख के यार क्या करें भाई। लोग सीधा ही ना ऊपर ही आते हैं, कोई ब्रेक श्रेक नहीं, ब्रेक श्रेक का नाम निशानी नहीं है इनके पास। ब्रो अभी हम जा रहे हैं, आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया व्यू है जम्मू सिटी का और ऊपर से फ्लाई ओवर भी है ब्रो। गाइज इसलिए मैं भी ऑलवेज कहता हूँ कि ड्राइविंग जो है वो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए हमेशा। जो भी कोई एक्सीडेंट आप देख सकते हो कि गाइज जो भी एक्सीडेंट होते हैं ना, वो इसी की वजह से होते हैं क्योंकि जल्दबाजी, हम लोगों को जल्दबाजी बहुत, हम सोचते हैं बस अभी निकले अभी। यार सब्र भी कर लिया करो, देख लिया करो यार। इसलिए वी ऑलवेज मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ और ये अच्छी बात नहीं है। गाइज अभी लाल बत्ती जग चुकी है, हमें रुकना पड़ेगा, क्या करें जी, रुकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा भाई भाई, रुकना पड़ेगा भाई। अब देख सकते हो बहुत ही बढ़िया व्यू है ब्रो, देख सकते हो आगे आगे मैडम जी जा रही है स्कूटी वाली, बट वाह कितना बढ़िया व्यू है। अब ब्रो दोबारा ब्रेक लग चुकी है, लाल बत्ती जो है अभी लगता अभी चली रही है ब्रो। हाँ निकल पड़े हैं ब्रो, ठीक बढ़िया। अरे भाई आस्था से यार, कहाँ जा रहे हो यार, यही तो रहता है ना यार, क्या बताएं। जो लेडीज़ की ड्राइविंग होती है ना, लेडीज़ के जब पीछे जाओ ना, तो प्लीज़ जब उसके पीछे पीछे ड्राइविंग होती है ना, क्योंकि थोड़ा उससे ना दूरी बनाए रखें, क्योंकि उसका उतना कोई भरोसा नहीं होता कि साइड में आ जाए या उस साइड में आ जाए ब्रो। कोशिश करनी चाहिए इनसे दूरी ही रखने की और आराम से, और उन्हीं को जाने का टाइम भी देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैं ही जाऊँ, मैं ही इससे आगे जाऊँ, नहीं 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 नहीं, उनको बोलना चाहिए मैडम जी आप निकलो, हम उसके बाद आते हैं, कोई बात नहीं। इसलिए गाइस ओहो क्या बात है, ठंडी हवा आ रही है इस टाइम ब्रिज के ऊपर, बहुत ही प्यारी हवा आ रही है, ठंडी हवा। गाइस धूप भी है बहरहाल, तो इस वक्त आप देख सकते हो जो ये धूप है गाइस, इससे तो पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है, खासकर सुबह शाम जो है अच्छा मौसम होता है गाइज, बट जो इस वक्त का व्यू है आप देख सकते हो, बट गाइज पसीना तो आ ही जाता है गाइज, क्या करें। चलो बहरहाल निकलना भी पड़ता है जब कोई मजबूरी हो, एमरजेंसी हो, जाना भी पड़ता है, ऐसी कोई बात नहीं। बट गाइज जाम आपको मिलने को दिखने को मिलता ही मिलता है, खासकर जम्मू सिटी में आपको जाम तो दिखने को मिलता ही मिलता है।
ओके ब्रो, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।